तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी सेल्फी पॉइंट के पीछे लगे हुए एक मेले के साथ, जिसका नाम है सिंगापुर कार्निवल। और ये जस्ट अभी लगा हुआ है दिवाली के बाद, 24 अक्टूबर से चालू हो चुका है ये। तो आज इसी का रिव्यू देते हैं हम, और कैसा है ये वो बताएंगे आप। सामने हमारा टिकट काउंटर, जिसकी की टिकट आ गई आपको 50 रुपीज की। और इधर जो आपको दिख रहा है, नया थीम ये दिया हुआ है कि इसमें एरोप्लेन ऐड कर दिया गया है, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस का है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप ये काम करना भूल जाते हो, और नीचे कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। फिर बढ़ते हैं आगे। और बाहर थीम के रूप में ये सिंगापुर एयरलाइंस का एरोप्लेन बनाया गया है, जिसको देख के अट्रैक्शन लगे एक। और एग्जिट वहां से दी गई है, और पार्किंग स्लॉट इधर दिया गया, हमारा गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आराम से आप। ये हमारी यहाँ से दी गई है, ये है कुछ इसकी एंट्री। अभी तो साइलेंट पड़ा हुआ भाई, यहाँ पे काम चालू है, शॉप्स वगैरह लगाई जा रही है, अभी लगी नहीं है। अभी लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं है कि यहाँ पे मेला चालू हो चुका है, तो आप धीरे धीरे वीडियोस वगैरह देख देख के लोग आएंगे। देखो खाली पड़ा है अभी ये, तो पहले आपको पूरा रिव्यू दे देते हैं यहाँ का। एंट्री के बाद कुछ ऐसा सीन नजर आता है, सामने हमको दिखेगा एरोप्लेन जिसपे लिखा हुआ है सिंगापुर एयरलाइंस का, और यहाँ से एंट्री दी हुई है। इधर भी शॉप्स वगैरह लगी हुई है, और इधर भी शॉप्स वगैरह लगी हुई है, जिधर से आप चाहो उधर से निकल सकते हो। इधर कुछ शॉप्स तो चालू भी हो गई है, लेकिन अभी पब्लिक वगैरह इतनी नहीं आई है, क्योंकि अभी पता नहीं है ना उन लोगों को। देखो जैसे कि आपको बताया था, उधर से हमारी एंट्री होगी, साइट्स में इंस्टॉल वगैरह लगी हुई है, जैसे आपको सामान या मार्केटिंग करनी है उस हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद इधर भी आपका गेम्स वगैरह के एरिया, मनोरंजन रिंग इंस्टॉल, यहाँ पे खेल के साधन दिए हुए, यहाँ पे भी गिफ्ट के साधन है, लक्की ड्रॉ निकलेंगे। और सामने मैंने आपको बताया था वो है भूतिया बंगला, जिसकी की टिकट 50 रुपए, और ये चालू हो सकता है, जब चाहो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो इस चीज का। और देखो यहाँ पे झूले भी चालू हो चुके हैं, इसकी भी फीस है 50 रुपीज पर पर्सन, तो एंट्री इसकी हो चुकी है, आप चाहो तो आ सकते हो यहाँ पे झूलने के लिए। बाकी चलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे, उसका भी रिव्यू करते हैं और टिकट प्राइस पूछते हैं अगर बता देते हैं तो। इसके बाद ये वाला ट्रेन वाला झूला है, आपको यहाँ पे ट्रेन वाला झूला मिल रहा है, इसकी भी प्राइस 50 रुपए है, लिखा हुआ है सामने, देखो आपको दिखाता हूँ, 50 रुपए में 6 राउंड है इसमें, तो जल्दी आओ और इसका भी लुफ्त उठाओ। बाकी आगे एक है, ये शायद बच्चों वाला है, ये बच्चों के झूलने के लिए दे, देखो यहाँ भी लाइट जल गई, कितना प्यारा व्यू आ रहा है अब इसका। अब और चलते हैं आगे। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अभी ही चालू हुआ, ये 24 तारीख से चालू हुआ था, लेकिन 31 तारीख की दिवाली थी, तो भाई दिवाली पे तो कोई आएगा नहीं, इसलिए 2 या 3 तारीख से ही ये प्रॉपरली चालू होगा। तो एक ये वाला झूला यहाँ पे लगा हुआ, और ये सारे झूलों की जान, जो कि एक बोट वाला है और एक लॉन्ग वाला झूला है, वो लगा हुआ है। यहाँ पे जंपिंग जैक दिया हुआ है, इस पे आप फन कर सकते हो, और बीच बीच में क्या है, खाने पीने की इंस्टॉल दी हुई है, जिसकी रबड़ी कुल्फी दी हुई है यहाँ पे, और इधर दिया हुआ है फ्रूट बॉन, और सामने आपको दिखेगा देखो स्मोक बिस्किट, ये भी हर मेले में अक्सर मिल ही जाता है देखने को। तो और आगे दिखाते हैं और क्या क्या चीज मिलेगी आपको इस झूले में। यहाँ पे आ गए स्मोक बिस्किट पे, इसके भी लुफ्त उठाओ आप, आओ तो यहाँ पे। और ये क्या ब्रेक डांस वाला झूला यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी भी कॉस्ट 50 रुपीज होगी, वरना यहाँ पे आके आप पता कर सकते हैं कितनी है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। और आगे चलते और देखते आगे क्या क्या चीज है, और दिखाते हैं कहाँ पे खत्म है, कहाँ तक है ये झूला आखिरकार। एक ये वाला देखो, ये बड़ा वाला झूला यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, अपनी सेल्फी वीडियो बनवा रही हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और सामने भी झूले वगैरह लग रहे हैं, इन प्रोग्रेस में ये अभी लगे नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टेज लग रही है, ये पूछता हूँ किस चीज के लिए बनाई जा रही है। मैंने बताया यहाँ पे स्टेज बन रही है, और यहाँ पे फंक्शंस वगैरह इवेंट वगैरह कराए जाएंगे, उसके लिए स्टेज बन रही है। तो यहाँ से शायद एग्जिट है, उसी के पास ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, और जो पीछे आप एरोप्लेन दिख रहे हैं ना, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसी की थीम पे ये पूरा
मेला लगाया जा रहा है, ऊपर लिखा भी हुआ है सिंगापुर एयरलाइंस। ब्रेक डांस वाला झूला चालू हो गया है, इवन वो भी चालू हो गए हैं, लेकिन ये चलता हुआ दिख रहा है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। इवन अभी तो कोई भीड़ नहीं है, तो आपको बैठा हुआ कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे, और ये भी चालू होने वाले ऑलमोस्ट। और देखो थोड़ी बहुत लिटिल बिट यहाँ पे भीड़ बढ़ी है, जो आसपास के लोग हैं मतलब यहाँ पे रहते हैं ना नियर बाय सेल्फी पॉइंट, तो वो लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। दूर दराज के लोगों को अभी पता नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे आएंगे जब ये वीडियोस वगैरह आप देखेंगे। तो ये स्टेज आपको दिखाई दी, बाकी अब चलते हैं हम यहाँ से बाहर, और बाहर से आपको इसका एक बार व्यू दे देते हैं कि बाहर से लुक कैसा लग रहा है इसका देखने में। चलो चलते हैं बाहर। यहाँ पे टीवीएस मोटर्स का स्पॉन्सरशिप लगा हुआ है, शायद उस वजह से है। यहाँ से दिया हुआ है हमारा एग्जिट, बहुत लोग एग्जिट से घुस रहे हैं, बहुत लोग एंट्री से घुस रहे हैं। चलो यहाँ से देखो, ये है सिंगापुर कार्निवल आगरा है। बाहर से आपको एक व्यू और दिखा देते हैं इसका, कैसा व्यू लगता है। सामने आपको बताया दिया था पार्किंग स्लॉट दिया हुआ है। अब ये है यहाँ से बाहर का एग्जिट पॉइंट, और इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। पहले ये एयरपोर्ट वाला सीन और दिखाते हैं आपको। सिंगापुर एयरलाइंस, ये है सिंगापुर कार्निवल आगरा, इस पूरे मेले का नाम यहीं पे है। यह पूरा एरोप्लेन, यहाँ से हमारी होगी एंट्री, और एंट्री के बाद ये कल से खुलेगा, आज खुला नहीं है, तो कल इसके अंदर घुसेंगे। इतना पूरा यहाँ से वहां तक का एरोप्लेन दिया हुआ भाई, इसके अंदर भी घुस के कल दिखाएंगे आपको। नीचे थीम दिया हुआ भाई, पूरा दुबई का थीम दिया हुआ। देखो ये सब जो भी पिक्चर्स है ना, ये सारी दुबई की पिक्चर्स हैं, नियर बाय बुर्ज खलीफा वाली। यहाँ पे एयरलाइंस की फोटो दी हुई है, यहाँ पे अलग मेले की फोटो दी हुई है, यहाँ पे भी अलग फोटो दी हुई है, ऐसी लास्ट तक फोटोज दी हुई है। आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे इस मेले के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा, ये सिंगापुर जो क्रिमिनल आगरा में जो लग रहा है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया है, और इसमें जो झूले वगैरह लग रहे हैं काफी, और ये कल से इसको चालू हो जाएगा, जो हमारे एलोप्लेन के अंदर जो रेस्टोरेंट वगैरह है, ये कल से चालू हो जाएगा यहाँ, तो कल से इसकी एंट्री होगी बस। और अंदर आप देख लीजिए, बहुत इसमें सुविधाएं हैं, खाने की पीने की, रेस्टोरेंट है, काफी अच्छा बना हुआ है। मैंने आगरा में पहली बार लगाया इतना बड़ा ये। आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर आगरा से ही हूँ। आगरा में किस साइड? आगरा से मैं सांगन से हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बस भैया भी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं मुरैना एमपी से हूँ। तो ये भैया एमपी से आए हुए यहाँ पे घूमने के लिए, और दूसरे वाले भैया है वो सांगन से आए हुए। बहुत बढ़िया लगा हुआ है, दोनों ही अपना रिव्यू दे रहे हैं, काफी पसंद आए। और तो दोस्तों मेला तो हमने पूरा देख लिया, तो अब हम इससे रिलेटेड को डिस्कस करके आपको बताते हैं। तो वो चीज ये है कि ये मेला लगा हुआ है आई लव आगरा, जो आगरा में बना हुआ उसके जस्ट पीछे वाले ग्राउंड में, और ये चालू हो चुका है 24 अक्टूबर से। दिवाली की वजह से लोग 31 तारीख तक तो बिजी थे, लेकिन 2 या 3 के बाद यहाँ पे भीड़ आनी चालू हो गई है। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ 2 तारीख को, तो 24 अक्टूबर से लेकर के ये 40 दिन तक लगा है। जब आप फ्री हो आप यहाँ पे आ सकते हो और घूम सकते हो। यहाँ पे पार्किंग प्राइस जो है गाड़ी की या बाइक की वो 20 रुपीज है, उसके बाद टिकट आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 50 रुपीज की, और उसके बाद स्पेशली अगर इसके अंदर जाना है तो इसके अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपीज की टिकट लेनी पड़ेगी। उसके बाद अंदर जाके आप यहाँ से लेकर वहां तक कहीं भी अपनी वीडियो या फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई में उसका आंसर दे दूंगा। और ये है बिल्कुल बाहर से इसका एक व्यू, सामने लगा हुआ है सिंगापुर एयरलाइंस, और यहाँ पे झूले लोग बाग आने शुरू हो गए हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे हैं। तो चलो आज चलते हैं यहाँ से।